यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का 44वां जन्मदिन संगम के शहर इलाहाबाद में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया और अपने नेता को मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। बर्थडे पर पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और अपनी ताकत का एहसास कराया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक ग्राफ को लेकर योगी सरकार के ऊपर निशाना भी साधा। इलाहाबाद में अखिलेश के जन्मदिन पर सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को एक संकल्प के रूप में हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा, इस सिविल लाइन को किस तरह से बना दिया। हमें तो देख के लगता है कि हम किसी विदेशी कंट्री में आ गए हैं। तो हम लोगों का ये है कि हम लोगों को जो विकास हमने किया था और जिस विकास को लेके हम लोग चले थे, उस विकास को लेके चले। और दूसरी चीज, प्रदेश में जो हो रहा है, हत्या, लूट, बलात्कार और तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, हमने इस पर संकल्प लिया है कि हम इन घटनाओं की नहीं होने देंगे और उसके लिए हम महिलाएं सड़कों में निकलेंगे।